एक राजा, वो ना तो इंसानों का राजा है, ना देवों का, ना दैत्यों का, वो है नागों का राजा, यानी नागराज। और वो और कोई नहीं परंतु मैं हूं। कुछ अशुभ होने वाला है। क्या अशुभ होने वाला है? एक समस्या ने जन्म लिया है। इस समस्या का कोई समाधान है? जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश, ये सब विष्णु जी की लीला है। उसकी मृत्यु का रास्ता सोच लिया है, सही मुहूर्त का इंतजार है। भोलेनाथ की कृपा है मुझ पे, और मेरा एक ही काम है, धरती पर सबकी रक्षा करना जो धर्म का साथ देते हैं। मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूं। या तो उसका शिकार करना, या उसे मेरे लिए छोड़ देना। ना हमारे पास वक्त है, ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश। पर अब आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमारा यहां से निकल जाना ही बेहतर है। हमें नहीं पता कि हम यहां पर क्यों रहते आए हैं, पर हमारे मुखिया को पता है। उसे होश आने तक हम सबको यहीं रुकना चाहिए। उनमें सांप और नेवले जैसी शत्रुता होगी। कुंडली में ऐसा नहीं है स्वामी। कुंडली मनुष्य बनाता है और भाग्य विधाता लिखता है। अंगारों पर चलना होगा उन्हें। ताकत सिर्फ उसमें रहेगी तो बस इस गांव का फायदा होगा, लेकिन अगर हमारे हाथ लगी तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। गांव की हिफाजत के लिए जानवरों की बलि चढ़ती है, क्या हम दुनिया की हिफाजत के लिए गांव की बलि नहीं चढ़ा सकते? तेरा सच सबको बताना होगा, तू कोई सुपर हीरो नहीं है। मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत इसी में होनी चाहिए। प्राण की जीव राशि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और ये रहस्य यहाँ के हर एक मुखिया को पता है। इसीलिए हम सब लोग यही रुकेंगे। इस जंगल की रक्षा करना हमारा परम धर्म है।